नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ लेटेस्ट न्यूज अपडेट में तो इस समय की बड़ी खबर सामने आई है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री कोरोना संक्रमित, दिल्ली के आंदोलन में शामिल थे टीएस सिंहदेव, लौटकर कराई जांच तो मिला संक्रमण। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना संक्रमण की चपेट में आ गए हैं। सिंहदेव पिछले सप्ताह दिल्ली में जमे हुए थे, उन्होंने कांग्रेस के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहां से रायपुर लौटने के बाद उन्होंने कोरोना की जांच कराई, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। संक्रमण की जानकारी देते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा, दिल्ली प्रवास से लौटकर मैंने अपनी कोविड की जांच करवाई, जिसमें मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। अभी मेरा स्वास्थ्य ठीक है एवं चिकित्सकों के परामर्श के अनुसार मैं होम आइसोलेशन का पालन कर रहा हूँ। टीएस सिंहदेव 12 जून से दिल्ली में थे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की एडी के सामने पेशी के दौरान कांग्रेस के प्रदर्शनों में भाग लिया। इस दौरान वे दिल्ली पुलिस की ओर से बार बार गिरफ्तार किए और छोड़े जाते रहे। पूछताछ के दूसरे दौर में भी सिंहदेव अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ दिल्ली पहुंच गए थे। उन्होंने लगातार बैठकों, सभाओं और राजनीतिक प्रदर्शनों में भाग लिया। गिरफ्तारी दी। सिंहदेव शुक्रवार को रायपुर पहुंचे थे। यहां से उन्हें अंबिकापुर जाकर पिता की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होना था। आयोजन शुक्रवार को ही था, लेकिन एहतियातन वे नहीं गए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना की हर लहर में संक्रमित हुए हैं। अभी 2 जनवरी को उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। ठीक होने के बाद पता चला कि उनको नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से यह संक्रमण हुआ था। उससे पहले वे 2 बार कोरोना की चपेट में आ चुके थे। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सोशल मीडिया के जरिए स्वास्थ्य मंत्री के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है।